Once again, welcome class 7th in our online class. Class 7th, in our last video, we have discussed the phrase and the clue. Now, time to turn exercise 2.1. Underline the adjective phrase in the following sentence. सेंटेंस है, सेंटेंस में हमें क्या करना है, सेंटेंस में हमें करना है एडजेक्टिव फ्रेज को फाइंड आउट करना है, अंडरलाइन करना है. तो एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती हैं? एडजेक्टिव फ्रेज जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करती हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताती हैं, विषय में बताती हैं, उनको ये बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज. तो इस सेंटेंस में देख लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज है क्या. दिस इज़ अ बिल्डिंग विद मैग्निफिशेंट लुक्स. तो बिल्डिंग की विशेषता क्या बता रहे हैं, विद मैग्निफिशेंट लुक्स. तो विद मैग्निफिशेंट लुक्स यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, तो उसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. विद मैग्निफिशेंट बुक को हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे. आई बॉट अ शर्ट विद स्ट्रिप्स ऑन इट. आई बॉट अ शर्ट नॉर्मल बात हुई, उसके बारे में क्या स्पेशलिटी है, विद स्ट्रिप्स ऑन इट, वो हम कर देंगे अंडरलाइन. दिस इज हेयर एडजेक्टिव फ्रेज. देविका इज अ गर्ल ऑफ फोर ईयर्स ऑफ एज. तो ऑफ फोर ईयर्स ऑफ एज, देविका के बारे में जो कि एक लड़की है उसके बारे में बात बताई गई है क्योंकि वो क्या है, 4 साल की लड़की है. इसमें एडजेक्टिव फ्रेज ही हुआ. सी एंटर्ड अ रूम विद डार्कनेस ऑल अराउंड. तो एंटर्ड द रूम नॉर्मल बात है और रूम की स्पेशलिटी बताई गई है विद डार्कनेस ऑल अराउंड, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज हुई. ए रिसेप्शनिस्ट विद ए चार्मिंग फेस वेलकम अस. विद ए चार्मिंग फेस, रिसेप्शनिस्ट की स्पेशलिटी विद ए चार्मिंग फेस वेलकम अस इज एडजेक्टिव हेयर. एंड सी वॉज एकम्पनीड बाई ए डॉग विद ब्राउन फर. तो स्पेशलिटी क्या है, विद ब्राउन फर इज अंडरलाइन हेयर एडजेक्टिव फ्रेज. 2.2. रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल. इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉच अ मूवी फुल ऑफ हॉरर. क्या करना है, जो इटैलिसाइज है यहाँ पे, जैसे फुल ऑफ एरर है, हॉरर है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है यहाँ पे, इटैलिसाइज में दिया गया यानी कि तिरछे वर्ड्स में दिया गया है. इस सेंटेंस को एडजेक्टिव विद एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव में कन्वर्ट करके हमें, जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो, इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना है. जैसे फर्स्ट दिया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉच ए मूवी फुल ऑफ हॉरर. फुल ऑफ हॉरर यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है और इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉच ए हॉरर मूवी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉच ए हॉरर मूवी. ऐसे ही हमें अदर सेंटेंस को भी कन्वर्ट करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ ए मैन फुल ऑफ विजडम. तो उसका नॉर्मल हो जाएगा, ही इज़ ए वाइज मैन. ही इज़ ए वाइज मैन. नेक्स्ट, ही वेंट टू अ मार्केट क्राउडेड विद पीपल. क्राउडेड विद पीपल यहाँ पे इटैलिसाइज्ड है, वो क्राउडेड मार्केट हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे. वी वेंट टू ए क्राउडेड मार्केट. सी टोल्ड हर चेन मेड ऑफ गोल्ड. She sold her gold chain. Suman is wearing a dress of many colors. तो Suman is wearing a colorful dress. Suman is
सूर्यदेव वॉज किंग नोन फॉर हिज काइंडनेस, तो सूर्यदेव वॉज ए काइंड किंग। हमारी कंप्लीट हुई, कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 2.3, रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड एडवर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एडवर्ब विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। अब हमें एडवर्ब से कन्वर्ट करना है इसको, जो भी इटैलिसाइज्ड है, जैसे अगेन एंड अगेन दिया है फर्स्ट सेंटेंस में, और हेल्प बुक के लिए उसने हमें वर्ड्स भी दिए हैं कि किस वर्ड्स की हम हेल्प से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली, काइंडली, फ्रिक्वेंटली, एनुअली, देयर, रूडली, लेट और रिसेंटली। अब फर्स्ट है द इंसिडेंट ऑक्यर्ड अगेन एंड अगेन, ये हो जाएगा द इंसिडेंट ऑक्यर्ड अगेन एंड अगेन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली में, अगेन एंड अगेन को रिप्लेस कर देंगे कैसे, फ्रिक्वेंटली, तो ये हो जाएगा द इंसिडेंट ऑक्यर्ड फ्रीक्वेंटली। द प्रिंसिपल स्पोक टू मी इन ए काइंड मैनर, तो काइंड मैनर, काइंड मैनर रिप्लेस हो जाएगा आपका काइंडली से, काइंडली। हिज सैलरी वॉज इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करना है आपको ग्रेजुअली से, ग्रेजुअली, ये हो जाएगा हिज सैलरी वॉज इंक्रीज ग्रेजुअली। एंड डू नॉट टॉक इन ए रूड मैनर, रूड मैनर को रिप्लेस करना है हमें रूडली से, रूडली, डू नॉट टॉक इन ए रूड मैनर हो जाएगा, डू नॉट टॉक इन ए, डू नॉट टॉक रूडली, इन ए रूड मैनर को डू नॉट टॉक रूडली से कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद द वर्कर्स रिसीव बोनस एवरी ईयर, एवरी ईयर को कन्वर्ट कर देंगे एनुअली से, द वर्कर्स रिसीव बोनस एनुअली। सिक्स, आई वेंट टू यूरोप नॉट लॉन्ग एगो, नॉट लॉन्ग एगो, तो नॉट लॉन्ग एगो को कर देंगे आई वेंट टू यूरोप नॉट लॉन्ग एगो हो गया यहाँ पे आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा रिसेंटली, वी हैड टू रिमूव आवर शूज एट द प्लेस, प्लेस एट द प्लेस यानी कि देयर हो जाएगा, वी हैड टू रिमूव आवर शूज देयर। एंड लास्ट, यू ऑफन अराइव आफ्टर द अपॉइंटेड टाइम, यानी कि आफ्टर द, यू ऑफन अराइव्ड आफ्टर द अपॉइंटेड टाइम को हटा देंगे यहाँ से, रिमूव कर देंगे और क्या करेंगे, लेट, यू ऑफन अराइव लेट। 2.4, अंडरलाइन नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नाउन फ्रेज को यहाँ पे क्या करना है हमें, अंडरलाइन करना है, नाउन, नाउन के बारे में आप जानते होंगे, नाउन स्केचिंग पोर्ट्रेट्स इज ए हॉबी, तो यहाँ पे अंडरलाइन हमें करना है, तो स्केचिंग पोर्ट्रेट्स यहाँ पे नाउन है, सी होप्स, सी होप्स विद फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स, विद फ्लाइंग कलर्स यहाँ पे क्या हुआ, नाउन फ्रेज हुआ। आई डू नॉट नो द ट्रेन, ट्रेन्स न्यू टाइम, तो द ट्रेन्स न्यू टाइम, टाइमिंग अंडरलाइन कर देना है यहाँ पे। बिकम से गुड पायलट यहाँ पर हुआ, बिकमिंग ए गुड पायलट नाउन फ्रेज हुआ। आई लाइक लिसनिंग सूफी म्यूजिक, तो लिसनिंग सूफी म्यूजिक यहाँ पे क्या हुआ आपका, नाउन फ्रेज हुआ। क्लूज भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लूज की जो एक्सरसाइज है वो है 2.5 में हमें क्या करना है, अंडरलाइन द मेन क्लूज, अंडरलाइन द मेन क्लूज एंड सर्कल द सब ऑर्डिनेट क्लूज, जो मेन क्लूज है, मेन क्लूज को तो हमें अंडरलाइन करना है, और जो सब ऑर्डिनेट क्लूज है, सब ऑर्डिनेट क्लूज को हमें
राउंड फिगर में करना है। जैसे मेन क्लूज, मेन क्लूज यानी कि जो डिपेंडेंट नहीं होती है अदर सेंटेंस, और सब ऑर्डिनेट क्लूज जो अपना मीन्स क्लियर करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं। मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है यू विल गेट गुड मार्क्स, ये एक मेन क्लूज हुई, और इफ़ यू वर्क हार्ड, ये सब ऑर्डिनेट क्लूज होगी, कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे राउंड फिगर में कर देंगे। तो इस तरह बेटे 2.5 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करनी है, ये आज का आपका होमवर्क है। और जो लास्ट वाले एक्सरसाइज हमने किए हैं ये सभी आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे, 2.1, 2, 3 एंड 4। 2.5 आपका होमवर्क है, 2.6 भी आपका होमवर्क है। इसमें आपको करना है नाउन क्लूज को अंडरलाइन। जैसे समानता इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलिव डिड, तो यहाँ पे नाउन क्लूज क्या हुआ, व्हाट ऑलिव डिड, नाउन क्लूज हुआ यहाँ पे व्हाट ऑलिव डिड। नाउन क्लूज हमने अच्छी तरह से पीछे पढ़ा है, एक बार और वो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं ध्यान से समझने के लिए। सुमन वंडर्स इफ प्रीति नोज हाउ टू कुक, हाउ टू कुक यहाँ पे नाउन फ्रेज हुआ। तो 2.6 और 2.5 आपकी होमवर्क है, इसको करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मैच कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके एंड बाय।